आप सब लोग। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। अगर आपको याद हो हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, तो एक बार शॉर्ट में उसका रिविजन कर लेते हैं कि क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट आप कैसे कर सकते हो। तो जो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था वो था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हम लोग दो प्लांट्स की सेल्स को आपस में एक्सचेंज करके एक नया प्लांट बनाते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा स्टेप था वो था जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर आप कह सकते हो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, बजाय कि जहाँ पे हम दो सेल्स को एक्सचेंज करके एक नया प्लांट बना रहे हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, एक प्लांट के जीन्स को निकाल के हम लोग दूसरे में सीधा ट्रांसफर कर देते हैं, उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके बाद आप इंट्रोडक्शन भी कर सकते हो क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इंट्रोडक्शन यानी कि एक वो क्रॉप जो कभी किसी जगह पे ग्रो हुआ ही नहीं, उसको किसी दूसरी प्लेस से आप लाते हो और नई जगह पे ग्रो कर देते हो, और अगर आप सक्सेसफुल भी हो जाते हो देन इट कैन बी अ न्यू डिस्कवरी, यानी कि आपने यहाँ पे क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है। और फोर्थ मेथड था हमारा सिलेक्शन, यानी कि अगर आपके सामने वीट के डिफरेंट वराइटीज ऑफ सीड रख दिए जाए तो आप क्या करोगे, जो बेस्ट सीड होगा जिसकी क्वालिटी बेस्ट होगी आप लोग उसी को चूज करोगे, तो वो होता है सिलेक्शन। हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन एंड सिलेक्शन, तो इन कॉमन मेथड्स के थ्रू आप क्रॉप की वराइटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। और क्रॉप की वराइटी में हम लोग इम्प्रूवमेंट क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है क्रॉप की वराइटी में, सबसे पहला जो रीज़न है हमारा इम्प्रूवमेंट करने का वो ये होता है कि जो पैदावार होगी यानी कि जो फसल उगेगी हमारे खेतों में वो ज़्यादा से ज़्यादा उगे और जिससे हमें फ़ायदा हो, मुनाफा हो, तो उसे हम कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप वराइटी में इम्प्रूवमेंट करके आप सीधा किस में इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में आप सुधार लेके आ रहे हो, ठीक है। अब देखो ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स या प्लांट्स या जो भी हमारे क्रॉप्स होते हैं, हम सभी को क्या रिक्वायर्ड होता है, हम सभी को चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेके ही हम अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, ठीक है। अब वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के केस में भी आते हैं, अगर हम क्रॉप्स हैं क्रॉप्स को भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फोरस, ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो क्रॉप्स को नॉर्मली रिक्वायर्ड होते हैं और इनके बिना किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं हो सकता। तो चाहे वो कोई इंसान हो चाहे क्रॉप्स हो, न्यूट्रिएंट्स सभी को रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम यहाँ पे क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है मोर, यानी कि ज्यादा, यानी कि अगर कोई ऐसे न्यूट्रिएंट है जिनकी रिक्वायरमेंट एक प्लांट को ज्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे क्या एग्जांपल दे सकते हो, सल्फर, आई एम राइटिंग हियर ओनली द सिंबल नॉट कंप्लीट नेम, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे ऐसे एग्जांपल लिखे हैं जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत एक क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा होती है ताकि वो अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट कर सके। अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट एक प्लांट को कम होती है, रिक्वायर्ड तो होते हैं लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल किसका दे सकते हो, जिंक का एग्जांपल दे सकते हो, बोरोन का यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट एक प्लांट को होती तो है लेकिन कम होती है, ठीक है। तो ये था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स सभी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो। और अगर हम यहाँ पे क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्रॉप्स को भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो अपने आप को किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से या फिर किसी भी डिसीज से अपने आप को बचा सके। और न्यूट्रिएंट्स की दो कैटेगरीज यहाँ पे होती हैं इन केस ऑफ क्रॉप्स, मैक्रो यानी कि ज़्यादा एंड माइक्रो यानी कि कम। तो
जिनकी रिक्वायरमेंट एक प्लांट को ज्यादा होती है वो आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि यहाँ पे मोर देन 10 मिलीग्राम पर मोल, 10 मिलीग्राम पर मोल से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 10 मिलीग्राम पर मोल से कम रिक्वायरमेंट होती है, समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा न्यूट्रिएंट्स को लेके, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब सपोज करो अगर कोई क्रॉप है उसमें कोई डिजीज लग जाती है या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे अटैक कर देता है, तो रिजल्ट क्या होगा उस वो जो पर्टिकुलर क्रॉप होगा वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो उसका प्रोडक्शन भी कम होगा या फिर वो वीक हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या करते हो, ऐसे में आप उसको आर्टिफिशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम वो प्रोवाइड करवाते हैं। और आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हम लोग आमतौर पे किस फॉर्म में प्रोवाइड करवाते हैं, दो फॉर्म्स होती है, एक तो होती है मैन्योर्स और दूसरा होता है फर्टिलाइजर। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में, ठीक है। वैसे तो कोई भी जो प्लांट होता है, कोई भी जो क्रॉप होता है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है नेचुरली, लेकिन अगर वो नेचुरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है किसी भी रीज़न की वजह से, वो डिसीज भी हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, तो उसको बाहर से हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। किस फॉर्म में, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में। मैन्योर आप जानते हो नेचुरली बनाई जाती है, इससे ना तो प्लांट को ना हमारे एनवायरमेंट को कोई डैमेज होता है, ये प्लांट पे एक्ट करती है लेकिन काफ़ी स्लो एक्ट करती है। वही दूसरी तरफ फर्टिलाइजर्स पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, इनमें यूरिया का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ये क्या करते हैं प्लांट्स पे इफेक्ट अपना बहुत ही जल्दी दिखाते हैं, लेकिन इनका ओवर यूज करने से प्लांट्स डैमेज भी हो सकता है और साथ साथ में जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें भी पोल्यूशन डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो मैन्योर्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, दे एक्ट नेचुरली एंड दे आर आर्टिफिशियली, ठीक है। दे इनका जो इफेक्ट होता है काफ़ी लंबे समय तक रहता है प्लांट में, लेकिन इनका इफेक्ट काफ़ी कम समय के लिए होता है प्लांट्स में। ये अपना असर बहुत ही धीरे दिखाते हैं, ये अपना असर बहुत ही जल्दी दिखाते हैं, लेकिन भले ही ये अपना असर धीरे दिखाते हैं लेकिन वो जो असर दिखता है प्लांट को काफ़ी लंबे वक्त तक रहता है, और ये भले ही अपना असर काफ़ी जल्दी दिखाते हैं लेकिन वो जो असर होता है, वो जो इम्पैक्ट होता है बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो एक प्लांट को सिर्फ न्यूट्रिएंट्स तो रिक्वायर्ड नहीं होते, हम सिर्फ खाना कौन ना खाते हैं, खाने के साथ हमें पानी भी पीना होता है क्योंकि पानी में भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी आती है कि क्रॉप्स को आप खाली न्यूट्रिएंट्स देते जा रहे हो लेकिन उसे आप पानी नहीं दे रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगा, क्रॉप्स तो अपना ग्रोथ करेगा नहीं प्रॉपरली। तो इसीलिए हमें क्रॉप्स को क्या देना होता है, वाटर भी देना होता है। और क्रॉप्स को जब हम पानी देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इरीगेशन। इरीगेशन करते हैं यानी कि क्रॉप्स को पानी देना, आप न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो लेकिन साथ साथ में आपको क्रॉप्स को पानी भी देना होता है ताकि उनका प्रोडक्शन और भी ज़्यादा बेटर हो सके। तो इरीगेशन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से आप इरीगेशन कर सकते हो। इरीगेशन करने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल रिवर, आप किसी नदी से कर सकते हो इरीगेशन, ठीक है, आप कैनाल्स का यूज कर सकते हो इरीगेशन करने के लिए, या फिर आप यहाँ पे ट्यूबवेल को यूज कर सकते हो इरीगेशन करने के लिए, ठीक है, वेल्स का यूज कर सकते हो इरीगेशन करने के लिए, या फिर जो स्प्रिंकलर्स होते हैं स्प्रिंकलर्स उनका भी यूज आप कर सकते हो इरीगेशन करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ हमारे ऐसे सोर्सेज हैं, मतलब जिस भी इंसान को जो भी कंफर्टेबल लगता है, जो भी सूटेबल लगता है वो उसी मेथड को अडॉप्ट करता है अपने क्रॉप्स को पानी देने के लिए, जिसको हम बोलते हैं इरीगेशन, ठीक है। और इरीगेशन के सोर्सेज कोई भी हो सकते हैं, जैसे रिवर है, कैनाल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, वेल्स हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, एनीथिंग। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमने आज क्या जाना कि क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, साथ साथ में वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि उनका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बेटर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉपिंग सिस्टम, यानी कि आप किस तरीके से क्रॉप्स को अपने फील्ड में लगाते हो। तो पहला होगा यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम,
इंसान होता है वो अपनी बड़ी सी बाल्टी में बहुत सारे सीड मिक्सअप कर लेता है और फिर उनको हाथ से वो यूं ही किसी भी जगह पे डालता रहता है, जिससे क्या होगा, यानी कि यहाँ पे आप कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हो, आप किसी भी क्रॉप का कोई भी सीड कहीं भी लगा रहे हो तो उसको हम कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न, यहाँ पे कोई भी पैटर्न जो है फॉलो नहीं होता। दूसरा है इंटर क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि यहाँ पे एक पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको वीट एंड मस्टर्ड, ये दो क्रॉप्स आपको अपनी फील्ड में लगाने हैं और आपको एक पैटर्न भी फॉलो करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, सपोज ये हमारी फील्ड है, ये हमारी फील्ड है, हमें यहाँ पे वीट एंड मस्टर्ड ग्रो करने हैं, तो आपको पार्टी पैटर्न फॉलो करना है। सपोज अगर आप दो लाइनें लेते हो, यानी कि दो लाइन में आप लगा देते हो वीट की सीड, दो लाइनें आपने वीट में लगा दी, इसके बाद आप यूज़ करोगे मस्टर्ड की सीड, यानी कि जो अगली दो लाइनें हैं आप यहाँ पे मस्टर्ड की सीड्स लगाओगे, फिर नेक्स्ट लाइन में आप लगाओगे वीट दो लाइनों के लिए वीट, और फिर इसके बाद आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट लाइन के लिए मस्टर्ड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम जो है कोई भी क्रॉप कहीं पे भी नहीं लगा रहे, यहाँ पे हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये पैटर्न कोई भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने क्रॉप्स के बाहर बाहर बीज लगा दिया और बीच में आपने लगा दी मस्टर्ड, तो आप लोग जो है कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो। तो पैटर्न जब सीक्वेंस में होता है तो उसको हम कहते हैं इंटर क्रॉपिंग पैटर्न, और अपने हाथों का यूज़ करके आप कोई भी सीड कहीं भी डाल रहे हो तो वो होता है मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है, अगर हम हमारी फील्ड में हर साल अगर एक ही क्रॉप बार बार लगाते रहें, या हर 6 महीने में या साल में 2 बार कोई भी हो, अगर हम बार बार वही क्रॉप लगाते रहें तो क्या होगा, जो हमारी सॉइल होती है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे विल स्टार्ट डैमेजिंग, यानी कि वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए किसान क्या करता है, फार्मर क्या करता है, क्रॉप रोटेशन की मदद लेता है, यानी कि वो हर साल क्रॉप्स को बदल बदल के अपनी फील्ड में लगाता है ताकि जो उसकी सॉइल है और जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में बने रहे, वो खत्म ना हो, ठीक है। और क्रॉप रोटेशन में अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि जो हमारी दाल वगैरह होती हैं, अगर हम उनको भी पल्सेस हम जिसको बोलते हैं, अगर हम वो भी बीच बीच में लगाते रहें तो इससे हमारे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो और भी ज़्यादा डेवलप होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने में हेल्प करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी पावर यानी कि जो उपजाऊ शक्ति होती है वो और भी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो इसलिए हम लोग करते हैं क्रॉप रोटेशन, यानी कि हमें हर साल बदल बदल के क्रॉप्स लगाने चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स, सो मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न, इंटर क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉप रोटेशन, ये 3 हमारे ऐसे मेथड्स हैं जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम के लिए। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, हमने जाना कि हम लोग क्रॉप के प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए प्लांट एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स, और अगर वो नहीं कर पाए तो हम उसको देते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, फिर न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमें वाटर भी देना होता है।